नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BR एजुकेशन में। आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं 3 जुलाई के शैक्षणिक समाचार। इससे पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा, हॉस्टल भी खुलेंगे छात्र नेता बोले कोरोना संकट में परीक्षाएँ सेहत पर पड़ेगी भारी। ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान की आवश्यकता, अभी सरकारी विद्यालयों के छात्रों ने नवोदय प्रवेश परीक्षा पास कर लहराया परचम। 3 साल तक राज्य सेवा की शर्त पर पीजी करने की इजाज़त, राजस्थान हाईकोर्ट ने दी अनुमति। सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में बैठ पाएंगे थर्ड ईयर के छात्र। विद्यार्थियों के बगैर शिक्षक विद्यालयों में जाकर क्या करें, व्यास बोल रहे हैं। पेंशन संशोधन के लिए आवेदन की तिथि 10 तक। बोर्ड की 10वीं 12वीं की पुस्तकों में बदलाव को लेकर आक्रोश। सरकार को वेक अप कार्यक्रम शिक्षकों के दबाव के बाद वापस लेना पड़ा। नीट और जेईई मेन परीक्षा को लेकर बनाई समिति, परीक्षा टलने के आसार बढ़े। समाचार पत्र के ई पेपर की PDF व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करना गैर कानूनी हो गया है। 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों में शिक्षकों को 1496 पद खाली, साक्षात्कार में फिस्टी रहे शिक्षक। सरकार के जवाब से प्राधिकरण नहीं संतुष्ट, ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी करने के आदेश। SSC CGL Tier 1 का रिजल्ट जारी। JEE परीक्षा की स्थिति जल्द स्पष्ट होगी। टंगड़ंग गति परीक्षा दिसंबर में होगी। कोरोना विद्यार्थी खेलों पर लगाया ताला। कॉलेज शिक्षकों को अब नहीं देनी पड़ेगी परीक्षा, विरोध के बाद आदेश लिया वापस। अधिकतम स्कूल फीस माफ करने संबंधी याचिका दायर। जिला स्तरीय कंप्यूटर ऑनलाइन विशेष टंगण परीक्षा परिणाम जारी। बच्चों को विशेष उपकरण या ऐप के लिए बाध्य नहीं किया जाए। ऑनलाइन शिक्षा पर सरकार के जवाब से प्राधिकरण संतुष्ट नहीं। 65 वर्ष की उम्र वालों को पोस्टल मतदान की सुविधा मिलेगी। अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु प्रस्ताव आमंत्रित। पद्म पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर। नीट और JEE परीक्षा तय तारीख पर नहीं हो सकेगी, अब 10वीं के बाद ही देखा जा सकेगा CA बनने का सपना। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से संबंधित रोस्टर पंजिका संधारित करे जिला कलेक्टर। व्यवहारिक के आंकलन के बाद ही कराई जाएगी CA परीक्षा। कोरोना की मार सकता हाल, रेलवे ने नई भर्तियों पर लगाई रोक। चयनित अभ्यर्थी 6 जुलाई 2020 को अपने दस्तावेजों की जांच करवाए। इग्नू में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, अंतिम तिथि 31 जुलाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। टाइम टेबल, पेंशन 31 तक आवेदन करें। आज के समाचार यहीं समाप्त है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सभी धन्यवाद।